नमस्कार दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इस वक्त हूँ डीप वेब पर। पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डीप वेब को सर्फ करना इलीगल नहीं है। ऐसी कोई भी वेबसाइट जो गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर इंडेक्स्ड नहीं होती है वो डीप वेब के अंतर्गत आती है। ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं जिसको इस श्रेणी में रखा गया है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो गूगल पर अवेलेबल नहीं है लेकिन वो लीगल हैं, सही वेबसाइट्स हैं। तो डार्क वेब पर जाना, गलत चीज़ें खरीदना, गलत चीज़ें करना इलीगल होता है। डीप वेब को सर्फ करना इलीगल नहीं होता, ये मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, ये इलीगल नहीं होता। ये कोई भी कैसी कानून की नज़र में ये जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं ऐसी ही वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन ये इंडेक्स्ड नहीं होती हैं गूगल पर। तो आज मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स सर्फ करने वाला हूँ VPN यूज़ करके, प्लस एक अच्छा VPN और टॉर ब्राउज़र जो कि द अनियन रूटर होता है। अनियन वेबसाइट्स जो होती हैं, जो कि डीप वेब वेबसाइट्स होती हैं, और ये स्पेशल ब्राउज़र जैसे टॉर से ही एक्सेस की जा सकती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसके बारे में जान पाएँ। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक अच्छे एथिकल हैकर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि डीप वेब पर क्या हो रहा है। ये सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और यहाँ पर मैं कोई भी इलीगल चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये तो हमने डिस्क्लेमर दे दिया, अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहली वेबसाइट जो आप देख सकते हैं इसका नाम है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक फ्री एनॉनमस टॉर सोशल नेटवर्क। जैसे नॉर्मल वेब पर आप देखते हैं कि फेसबुक है, ऐसे ही टॉर का खुद का एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। काफ़ी अजीब बात है, पर मुझे पता था ऐसा कुछ ज़रूर होगा। जब आप डीप वेब सर्व करें, वैसे तो करना नहीं है आपको, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी कई चीज़ें जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो किसी प्रोफेशनल इंसान की देखरेख में ही करें, अकेले खुद से प्रोफेशनल ना बने। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जावास्क्रिप्ट डिसेबल करनी होती हैं। अगर आप नॉर्मल किसी भी तरीके से कर रहे हो, अलग जावास्क्रिप्ट ऑन नहीं होनी चाहिए। विंडो साइज़ आपको नॉर्मल रखना है, एक्सपैंड नहीं करना है, नहीं तो आपको ट्रेस किया जा सकता है इवन टॉर से भी। आपको अपना रियल ईमेल आईडी नहीं डालना, रियल पहचान नहीं डालनी, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पर ईमेल इस्तेमाल करना है तो टेम्प्रेरी वाला करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो यहाँ पर हम ये मैंने आपको दिखा दी वेबसाइट, दिखने में फेसबुक जैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोशिश की गई है इसको वैसे ही बनाने की। चलिए, यहाँ पर यूज़र नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का कोई यूज़र नेम होगा। यहाँ पर हम हिडन विकी पे आ जाते हैं। ये वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइट, और जैसे विकिपीडिया ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पे है अवेलेबल। ओके, यहाँ पर हम एक फोरम पे आए हैं जो कि क्लेम करता है कि इल्यूमिनाटी का ये फोरम है। यहाँ पर इल्यूमिनाटी के बारे में बातें हो रही थी, तो ये भी डीप वेब वेबसाइट है। यहाँ पर पहला टॉपिक है इल्यूमिनाटी वेदर मॉडिफिकेशन वेपन क्रिएटेड हॉप। इसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था। ये जो टॉपिक है ये फोरम में 11 घंटे पहले डाला गया है, तो इसको हम खोल के देखते हैं। डैंग हार्प इज क्रिएटिंग हरिकेन्स, सर्न एंड हार्प। ये जिन लोगों को नहीं पता है, ये सर्न और हार्प ऐसी मशीनें हैं जो ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी वाले लोगों ने बनाई हैं, जो वेदर को कंट्रोल कर सकती है। मतलब कहीं पे अगर टाइफून आ रहा है, हरिकेन आ रहा है, यू नो अभी अमेरिका में रिसेंटली काफ़ी तबाही मची, तो इन लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि ये इल्यूमिनाटी के द्वारा बनाया गया जो वेपन है, एक हथियार है जो कि अंडरग्राउंड कहीं पर रखा गया है। इल्यूमिनाटी के लोगों की टनल्स होती हैं, ज़मीन के नीचे उनकी एक सभ्यता है जहाँ पर वो रहते हैं, और वहाँ पर ये मशीन काम करती है। कई सेलिब्रिटी जो मर गए थे वो सही में मरे नहीं थे, वो इल्यूमिनाटी द्वारा गायब कर दिए गए और उनको मृत घोषित कर दिया गया। जबकि कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डैंग हार्प इज क्रिएटिंग हरिकेन्स, सर्न एंड हार्प इज रनिंग एट सेम टाइम। This proves everything people had said about Illuminati weather modification weapon is true. This is planned to use weather modification weapons to force people into FEMA camps, to microchip people into Mark of Beast RFID chip system and population control. Let's took look at Illuminati card game Steve Jackson cards. I bet Hurricane Irma is on Illuminati card game. तो ऐसा मान रहा है ये जो व्यक्ति है, Domino Hacker 8, इसका रियल नाम पता नहीं क्या है, तो ये ऐसा मान रहा है कि जितने भी जो इरमा अभी वहाँ पर हरिकेन आया है वो सब इल्यूमिनाटी ने किया है। खैर, इसके बारे में तो हम जानते नहीं हैं, कुछ कह भी नहीं सकता इसके बारे में, क्या पता बकवास हो, कुछ पता नहीं। यहाँ पर और चीज़ें भी हैं, सब पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, जैसे नॉर्मल डिस्कशन होते हैं वैसे डिस्कशन यहाँ पर हो रहे हैं। एक 15 साल का लड़का है जो लगभग 16 साल का होने वाला है, और वो बोल रहा है कि लड़कियाँ मुझे फ़ोटो सेंड करें,
कैसी फ़ोटो सेंड करें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। यहाँ पर नागा नाम का एक इंसान है जो कि भारत से है, नोटिस टू चीफ जस्टिस कुछ लिखा है यहाँ पर, तो इंडिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं डीप वेब पर। आई विश आई हैड नेवर बीन बॉर्न एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू पोस्ट अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पर एक आदमी ज़रूर रोमेरो 666 सात दिन पहले डाला है, तो इसकी बातों से ये लग रहा है कि ये डिप्रेस्ड है, सीधे तौर पर कह सकता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ टैग्स हैं कि इन चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई है, ब्लैक मेटल, बिटकॉइन, डार्क नेट, टॉर, वीडियो लिंक्स, इंडिया इंडिया इंडिया, साउंड बोर्ड, ब्लॉग, म्यूज़िक, इंडिया के बारे में देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। इंडिया के बारे में दलित मुस्लिम, काउ स्लॉटर, बैन बीफ, कैनन जेल्ड, फाइव स्टार जेल जजेस, फाइव स्टार जेल्स एंड जजेस, काफ़ी अजीब चीज़ें हैं इसके बारे में, ज़्यादा हम ना ही जाएं तो बेटर है। एनोनिमिटी, करप्शन, सोशल वॉर, हैकिंग, प्राइवेसी, जज, मनी, मैं आपको बता दूं कि इलीगल ड्रग्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, हिटमैन वगैरह ये सब नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा इलीगल हो जाएंगे फिर। पीजीपी इनक्रिप्टेड मैसेज इन मिस्ट्री, पीजीपी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ओके, तो ब्लैक बुक देख लिया हमने, फेसबुक लिखा हुआ है और जो लिंक है वो डीप वेब का है। यार ये नहीं, व्हाट मतलब डीप वेब पर एक फेसबुक है और इसकी कॉपीराइट कितनी 2017 है, मतलब डीप वेब पर एक फेसबुक है जैसे नॉर्मल नेट पर होता है, ये वो फेसबुक तो नहीं हो सकता आई एम श्योर कि एक तू। अच्छा, डीप वेब पर एक और नई चीज़ पता चली, डीप वेब पर एक और फेसबुक है जो बिल्कुल फेसबुक जैसा ही दिखता है, लेकिन ये वो फेसबुक नहीं है जो आम इंसान इस्तेमाल करता है। यहाँ पर कौन लोग होंगे कोई नहीं जानता, और इसके हम अंदर जाना भी नहीं चाहेंगे।